नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। ग्राम कूड़ा प्रधान ने बनाई आदर्श गौशाला, बोझ नहीं कर्तव्य है हमारा, कहा प्रधान प्रतिनिधि ने। उरई जालौन जनपद के कोच विकासखंड के ग्राम कूड़ा में ग्राम प्रधान ने बनाई आदर्श गौशाला, जहां पानी, खाना से लेकर साफ सफाई, रखवाली, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बबलू सिंह कहते हैं कि हम गौशाला को बोझ नहीं कर्तव्य समझते हैं। फिर गौ माता की सेवा का अवसर मुझे मिला, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, कुछ इस प्रकार से कहा प्रधान प्रतिनिधि बबलू सिंह ने। ओम प्रकाश सुदेनिया, बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ, हिंदुस्तान न्यूज 24। तो आज योगी सरकार की जो व्यवस्था है अन्न प्रथा को लेकर के जो व्यवस्थाएं दी गई है, वास्तव में सरकार तो बहुत कुछ कर रही है। अब स्थानीय लोग उसमें कितना सहयोग कर पा रहे हैं और स्वयं की प्रेरणा कितना काम कर रही है, वो एक अलग बात है। आज हम खड़े हैं कोच विकास खंड के ग्राम कूड़ा में और यहाँ की ये है गौशाला। और इस गौशाला में वास्तव में जो एक योगी सरकार ने योजना दी है, जो उसकी मंशा है, उस मंशा अनुरूप इस गौशाला में पर्याप्त संसाधन दिखाई दे रहे हैं। अब ये संसाधन सरकार की ओर से हैं या व्यक्तिगत ग्राम प्रधान की ओर से हैं? ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान बबलू जी हमारे साथ हैं, मैं अभी इनसे भी बात करूंगा। लेकिन इसके पहले हम चाहेंगे कि इस गौशाला का एक बार अवलोकन करा दिया जाए। आगे आते जाइए, मैं आपसे ये चाहूँगा। देखिए, ये गायों की व्यवस्था है और ये लगभग एक 70-80 के लगभग गाय हैं। सब गायों को टैग करा दिया गया ताकि पहचानी जा सके ये गौशाला से संबंधित है। इनके पानी की व्यवस्था को लेकर के इधर समर भी लगाई गई है और इसमें पानी की व्यवस्था की गई है ताकि अभी तो मौसम जाड़े का है और गर्मियों के मौसम में पर्याप्त रूप से इनको पानी मिले। साथ ही साथ इधर इनका रख रखाव जाड़े की दृष्टि से इनका टीन सेट भी बनाया गया है। टीन सेट की ओर आते चलेंगे, थोड़ा सा नज़दीक आते चलिए ताकि वॉल्यूम भी बना रहे। इधर देखते हैं गायों को देखते हुए पर्याप्त खाने पीने की व्यवस्था इनकी की गई है। भूसा की व्यवस्था लगभग होगी, इस संबंध में मैं भी चर्चा करूँगा। ये बनाया गया है टीन सेट, ये टीन सेट है खाने की व्यवस्था के लिए। चरागाह भी इनका बनाया गया है और कहीं से सर्दी ना व्याप्त हो इस कारण से चारों तरफ से एक पर्दा लगाया गया है, ठंडी ना लगे। और जैसा कि कहा गया, लाइट की व्यवस्था भी यहाँ दिखाई दे रही है। अभी तक जो ग्रामीणों से पूछा, उसमें बताया तो यहाँ तक गया कि रात को हीटर की व्यवस्था भी इसमें की गई, लेकिन हीटर कामयाब नहीं हो रहा था। तो समय समय पर अलाव की व्यवस्था यहाँ की जा सकती है ना। एक तरफ ये लाइट की व्यवस्था पर्याप्त क्षेत्र में भी, जहाँ पर ये गाय हैं तो यहाँ पर भी लाइट की व्यवस्था की गई है, चारों तरफ से बाउंड्री की गई है, पर्याप्त व्यवस्था की गई। तो मेरे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री बबलू सिंह जी भी हैं और ये कहते हैं ना कि जब पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि होते हैं तो निश्चित रूप से चिंता करते हैं। तो प्रधान जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक रही है? MSc कर रही है यूनिवर्सिटी झांसी से। MSc, देखिए MSc कर करके जो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा होगा, निश्चित रूप से एक अपने अनुभव होते हैं और व्यवस्था करेंगे। तो प्रधान जी, क्या क्या व्यवस्थाएँ आपने कर रखी हैं यहाँ पर? देखिए, पहले तो गांव वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी अन्ना पशुओं के मामले में। तो हमने जो 22 में गांव चुने गए थे उसमें मेरा गांव नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी गौशाला तैयार करने में लग गए। हमने जैसे जाली लगाई लगा के तो कम से कम दिन में जानवर को, रात में जानवर को हमने बंद करना शुरू करा, क्योंकि दिन में हमने छुट्टा कर देते, भूसा की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद फिर मैंने इसका काम जोरों से शुरू करा, फिर हमने समर भी लगवाई, ये टीन सेट भी करवाया। तो लगभग सितंबर माह से हमने जानवर बंद करना शुरू कर दिए, भूसा की भी व्यवस्था कर ली है। भूसा की व्यवस्था किस टाइप की आपने, क्या की? नहीं, उसका पिसिया का भूसा खरीदा है, सीधा भूसा का घर खरीदा, हाँ बना है, उनके घर है, उन्हीं के घर में है, वहाँ से रोज उठवा के यहाँ डलवा दे, क्योंकि यहाँ भूसा घर की व्यवस्था है नहीं है। भाई अभी इतने मेरे पास भी पैसे नहीं है, सरकार ने भी अभी पैसे नहीं दिए, इस वजह से तो भूसा हमने किसी के घर रखा है। और यहाँ पे धान की जो पलाली है उसको हमने कई ट्रॉली इकट्ठा करके भी रखा है कि अगर जैसे
कोई आ ना पाए और भूखा है, जैसे हम जो एक व्यक्ति लगाए हुए है, अगर ये समय पे ना आ पाए तो कोई भी गांव वाला आके गैया भूखी है तो दूसरा डाल सकते हैं। इस वजह से मैंने ये व्यवस्था भी रखी है। और पेड़े भी है हमारे यहाँ, तो पेड़ों से भी गायों को राहत मिलती है। अच्छा, पेड़ों के कारण से थोड़ा सा ठंडक से बचाव रहता है। हाँ, बचाव रहता है। और इसके अलावा ऐसा हमने इस पेड़ को भी घेर दिया है, क्योंकि जानवर ज्यादा थे तो उसमें खाना खा नहीं पाते थे, छोटे जानवर यहाँ पे भी चले आते हैं। खुद मैं बैठ के ही यहाँ छोटे जानवरों को चारा खिलाता हूँ। अच्छा, क्या जैसे ये लकड़ी लगी है, ये बड़ा बहुत इससे अलाव भी अलाव जलाते थे। मैंने तार भी रखे हुए, उधर तार भी लाए थे जिससे आग अच्छी तरीके से बढ़ जाए। एक लकड़ी की चिल्ली वो रखी है, यहाँ पे भी लकड़ी जलाते थे हम। हाँ, अलाव भी लगाते थे तो, और रात में मैं खुद आता था। तो क्या समय समय पर यहाँ पर सफाई कर्मी भी? हाँ, सफाई कर्मी भी आते हैं। आप जैसे एक दिन टोली मंगाएंगे तो सारी पूरी गौशाला को साफ साफ कर देते। तो देखिए, ये है कूड़ा गांव की गौशाला की व्यवस्था। यहाँ पर जो एक मानक है, मानक के अनुसार कहा गया है कि जाड़ों को देखते हुए या तो हीटर, अगर लाइट की व्यवस्था तो हीटर जलाया जाए, और हीटर नहीं तो लकड़ी अलाव लगाया जाए। तो एक काफ़ी बड़ा लकड़ सामने दिख भी रहा है, वो जलाया जाता है ताकि पशुओं को, अन्य जानवरों को ठंड ना लगे और ठंड के कारण से मारे ना जाएँ। इसलिए चारे की दृष्टि से ये पराली के ढेर भी बाहर लगे हुए हैं। स्वयं में अगर कोई नहीं आ पा तो कोई भी ग्रामीण आकर के और यहाँ पर उनकी चारे पानी की व्यवस्था देख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपको। ऐसे मैं इसी हिसाब से सेवा भाव के हिसाब से काम कर रहा हूँ। मैं ये मेरे इकट्ठे हैं यहाँ पे मेरे भरोसे, मैं इन्हें खाना खिलाऊंगा, कभी अगर मैं नहीं आऊँगा तो भूखे रह जाएंगे। तो इसलिए मैं सेवा भाव से कर रहा हूँ। मैं कहीं जाके मंदिर पे जाऊँ या कहीं जाऊँ, बिल्कुल सही बात है, ये करूँगा। सही बात है, कोई भी सरकारी काम पर सरकार पर सब आधारित रह के नहीं हो सकते। जैसे आपकी भावना है, यदि ऐसे ही हर ग्राम प्रधान भावनात्मक रूप से जुड़ जाए और ये मान के मैं गौ सेवा कर रहा हूँ, जो शासन से मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो कितना हम कर सकते हैं, ये अपने आप से करना चाहिए। आपसे वास्तव में और ग्राम प्रधानों को प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिंदुस्तान न्यूज 24 से ओम प्रकाश उदेनिया।